भैया कल की बात करो तो कल वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। रात में क्या फटी थी हमारी, हमने लगाया था टेंट पेट्रोल पंप में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा रात में। एंड थोड़ा सा हमने एरिया सोचा नहीं था ऐसा आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ऐसा है मॉर्निंग में उठने के बाद। अभी दिखाते हो किधर था टेंट, क्या था लोकेशन। ये है पेट्रोल पंप एंड यहाँ से आप सीधे देखोगे तो घने जंगल है, वादिया स्टार्ट है, उत्तराखंड देवभूमि का स्वागत है। तो इन खूबसूरत वादियों के साथ हम शुरू करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आपका भाई भी मज़ा में है, अभी देवभूमि घूमने आया है, जा रहा है केदारनाथ। तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला मेरे फर्स्ट एपिसोड को, तो सारे एपिसोड को आप प्यार देते रहो और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आते रहेंगी। सो अभी यहाँ पे अपने लगेज वगैरह बांध दिया हमने आधा, टेंट वेंट खोलना बाकी है, देन निकलेंगे और पहले पेट्रोल पंप की सुविधा को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस था वो ज़बरदस्त था भाई, मत पूछो। तो रात में गर्मी भी लगी लेकिन ठीक है, सुबह तक सब नॉर्मल हो गया। अभी सब पैक वैक करते हैं फिर निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते पे। हाँ जी, तो सामने है वादियाँ और आज टेंट यही लगा था हमारा पेट्रोल पंप के पास में। तो अब प्रेस व्रेस हो गया है, बज रहे हैं अभी 7:48 एंड यहाँ से है सोनप्रयाग 313 दिखा रहा है गूगल। तो देखते हैं आज कवर हो पाता है नहीं, आज ज़रूरी है कवर करना, जितना भी टाइम लगे करना ही करना है। तो अभी चलते हैं, वादियाँ दिखना चालू, आरंभ प्रारंभ, मतलब अब दिखेगा हमारा ब्लॉगिंग का नया तरीका, नया वे। क्योंकि हम जब वादियों में होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है, क्योंकि हमें वादियों से प्यार है बेटे। तो मैं लोकेशन बताना भूल गया था, ये है हल्द्वानी, हमने यहीं पे स्टे किया था। मन तो था आगे जाने का लेकिन जो यहाँ के बाद फॉरेस्ट पड़ता है वो रात में 12 बजे क्रॉस करना इज़ लाइक नॉट सेफ। तो भैया हम भूत है नहीं जो हम चल देंगे कहीं भी, थोड़ी जान की भी फिक्र होती है। तो बस दिन का इंतज़ार किया और सफ़र चालू है आज का। भैया हमारे दिन की शुरुआत होती है चाय से, जब तक चाय नहीं जाएगी शरीर में आँख नींद आँखों से नींद खुलती नहीं। भैया जी, भैया पहाड़ों में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। अरे पीने के बाद चेयर्स करता है क्या? चलता है क्या त्रिवेदी जी? चाय गर्म है ना? अरे मस्त है, एकदम पहाड़ों वाली चाय है भाई, मज़ा आ गया। इसका था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है मेरे यार। वादियों में एंटर कर चुके हैं और बस यहाँ से तीखे मोड़, टर्निंग्स, गाड़ी के 20 की स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी क्योंकि सेफ ड्राइव करना है। और बगल में है आपका एक रिवर, आई डोंट नो द नेम ऑफ रिवर बट है, और अभी यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि यहाँ रुक के बतलाना इज लाइक इम्पॉसिबल। भाई साहब सामने लैंडस्लाइड देख रहे हो क्या भाई? अभी वर्क चल रहा है अभी ब्रिज का, हाईवे से सडनली हम आ चुके हैं पहाड़ों पे, गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, छूट चुका है पहाड़ों वाला आदत। कि जंग देखो भूस्खलन का क्या है कि जंगल मैटर नहीं करता है, जंगल मैटर करता है लेकिन मिट्टी घसक जाता है रोड के कारण, रोड बनता है तो मिट्टी का कटाव होता है ना उसके कारण, समझा? और पहाड़ में पहली बार आया बेटा तो उल्टी और चक्कर आना एकदम कंपल्सरी, घबराना मत, आराम से बोलना, गाड़ी रोक दिया जाएगा। मतलब अभी 7 किलोमीटर का जो जाम था उसने हालत खराब कर दी बॉस, हाथों में अभी से दर्द होने लगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है आपका भीमताल, भीमताल में रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और देखते हैं, भीमताल लेक है वहाँ पे। रोड नहीं मक्खन है ये, मक्खन। लेकिन गाड़ी में इतना लोड है कि हमको कॉर्नरिंग करने में थोड़ा वो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बाकी रोड तो भाई बेमिसाल। और वादियों देखो, वादियाँ देखो, वादियाँ वादियों नहीं वादियाँ। साइड में भीमताल लेक,
व्यू नहीं मिल रहा है बट बड़ा खूबसूरत है। अभी देखते हैं ऊपर कहीं रास्ता वास्ता में कोई सीन है तो गाड़ी लगा देते हैं इधर ही। सारा भीमताल लेक का बहुत बड़ा भाई, मतलब फ़ोटो में इतना पता नहीं चलता, और यहाँ पे सारे एक्टिविटी वगैरह होते हैं। अब एक्टिविटीज़ का नाम नहीं पता मेरे को लेकिन होते हैं। किधर जाना है? किशन देख के रुकने का मन कर गया, बहुत दिनों से वादियों के हमने मज़े नहीं लिए हैं। चले आप सीधे रुकेंगे ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि कल वाली वीडियो एडिट करनी है, अपडेट भी तो ज़रूरी है बॉस। लगने लगी है हाथों में ठंड, अब एहसास हो रहा है कि ऊपर आ चुके हैं। स्टीप कर्व्स आना शुरू हो गया, गाड़ी बेंड होना शुरू हो गई है, तो आगे आगे देखिए क्या क्या होता है इस रोमांचफुल सफर में। किस मोमेंट को कैप्चर करूं किसको नहीं करूं, बात बात पे जो बटन पे ना कैमरा वाला बटन उसी पे हाथ जा रहा है। मतलब गाड़ी चलाने का जो मजे है बेटा यही है, बता रहे हैं हम, सुन लो मेरी बात। का नज़ारा पूरा लैंडस्लाइड वाला माउंटेन ही है, भूस्खलन यहाँ होते रहता है। पूरा जो नीचे का है वो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक सा सिचुएशन है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के बाद अपन रुकेंगे, कुछ खाएंगे, भूख लगी हुई है। लोहे वाला ब्रिज, फाइनली हमने भी पहला अपना लोहा वाला ब्रिज पार कर रहे हैं, किया नहीं है, कर रहे हैं। और नीचे वाला रिवर थोड़ा गंदा गंदा सा है और पानी उतना बह नहीं रहा है, जमा सा है। जल्दी बैठ, अच्छा हुआ ना कि देख लिए मैप, देख पीछे कोई गाड़ी है। हमको लगा इसलिए हम तुमको बोले कि देख लेना, अच्छा तो ज्यादा आगे नहीं आए हैं भाई। ये पूरा आर्मी एरिया है, मां कसम इतना बड़ा आर्मी एरिया पिछले 5 किलोमीटर से खत्म नहीं हुआ है, सारा बटालियन इधर भरा है। वाह वाह रे, किधर जाना है? और भाई पहाड़ के ऊपर स्टेडियम भी है, समझे, आर्मी स्कूल, जबरदस्त भाई क्या नज़ारे हैं। मतलब माउंटेन के ऊपर इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, पार्क। बच्चे खुश हो गए कैमरा देख के, अबे हमसे कोई मतलब नहीं है, इनको बस कैमरे से मतलब है। अरे लड़ो मत मेरे भाई, लड़ क्यों रहे हो? अचानक से धूप थी और जानी है उधर, और उधर हो गई है पूरी, पूरा उधर का जो सीन है वो पूरा काला हो चुका है, मतलब बारिश में फंसेंगे आज। ऐसा है कि पानी इधर आ चुका है एक राउंड और ठंड लगना शुरू हो चुकी है, हमें बहुत जोरों से आगे जाके देखते हैं रेनकोट लगाना पड़ेगा क्या। भाई क्या नज़ारे हैं भाई, हर्रा उत्तराखंड, ग्रीनरी देख रहे हो भाई साहब। कैसा लगा बारिश अचानक वाला? इसको बोलते हैं पहाड़, समझा, क्या बोलते हैं, पहाड़। देखो कितनी प्यारी बटरफ्लाई है, अगर सुंदर सा रिवर, एकदम ऐसा लग रहा है कि क्रिश 2 की शूटिंग यही हुई थी। और देखो पहाड़ क्या स्ट्रक्चर है भाई, एक नंबर भाई। सुबह से इस रास्ते पे चल रहे और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, इसका ऐसे पार करेंगे हमें।
गैरसन और यहाँ से ये टूलेन वाला जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब 50 किलोमीटर और देन, लेकिन 50 किलोमीटर बहुत है इस रास्ते पे, लगभग 50 किलोमीटर जाने में एक से डेढ़ घंटे लग जा रहे हैं, डेढ़ घंटे तो आराम से, हाँ डेढ़ घंटे। और भाई क्या बताऊँ, जो दर्द है ना भाई, अब तो मैं बिना कुशन के राइड कर नहीं सकता, कभी नहीं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल नेचर यार, रोशन, मतलब वैली के पीछे वैली, वैली के पीछे वैली, एक नंबर नजारा है। जय हो, फोर लाइन और 25 किलोमीटर बची है भाई। करने के बाद पहली बार दिखे मुझे पहाड़ी घोड़े, एक नंबर। कितना बचा रहे? 20। अबे छोटा मोटा मत बताओ, पूरा बताओ। यू पहुंचा के देता हूँ 123, यू सुबह से यू पहुंचा रहा हूँ, वैसे यू पहुंचा दूंगा। रुद्रप्रयाग हाँ, अच्छा ये नहीं जाएगी, ये तो फॉल्डम जाएगी। अच्छा नहीं, हमको अच्छा रोड दिख, सामने प्यारा सा सनसेट हो रहा है और प्यारा सा रोड, बगल में रिवर, ऊंचे ऊंचे माउंटेन, मतलब ये मजा है राइड का, ये असली एंजॉयमेंट है दोस्त, नेचर। तो आप, यह है कर्णप्रयाग जिसके बीचों बीच से एकदम रिवर जा रही है, और व्यू क्या ही बात करूं मैं व्यू की, मतलब अमेजिंग यार। फाइनली कर्णप्रयाग, यहाँ से 135 रुद्रप्रयाग, जो कि आज करना ही करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी हमें। हाँ तो सोचा नहीं था, फिर भी यार कर्णप्रयाग के बस लगा था छोटा सा टाउन होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे उमा देवी मंदिर, कर्ण मंदिर है, और ऊपर से व्यू कुछ ऐसा आता है यहाँ का, ये तो उत्कर्ष जी का वेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ डिसीजन लेते हैं हम लोग कि जाना कहाँ है। एक मिनट, फोन नहीं आ रहा। हाँ उत्कर्ष जी, बोला जाए, बोला जाए। आगे आइए, आगे हम भी हैं, आगे में हैं भैया जी। शहर देख रहे हो, शहर के ऊपर देखो ऊंचे ऊंचे माउंटेन, भैया किसको नहीं चाहिए यहाँ पे घर बताइए, वादियों के बीच, कमाल है पांडे जी। यात्री दिखना शुरू हो गए हैं, केदारनाथ के मेन रास्ते पे आ चुके हैं हम भैया, माहौल ही बदल गया है एकदम, अंदर एकदम गुदगुदू सी छा रही है अब, पहाड़ों के वादियों के बीच। और ये स्ट्रक्चर देखो आप, रोड का स्ट्रक्चर क्या बनाया इन्होंने। अब यहाँ से आई थिंक मैं सोच रहा था रात हो जाएगा, 11-12 बज जाएगा, लेकिन ये रोड देख के लग रहा है नहीं भैया, हम पहुँचेंगे जल्दी और सक्सेसफुली, मतलब ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूँ इस रास्ते से। अब सुबह से जो मेहनत किया ना, वो ये वादियाँ देख के अब थकान ख़त्म, जितना शरीर में पेन था, जो था, सब दुख हर लिया भगवान ने भाई। भीड़ देख रहे हो केदारनाथ के लिए, बाबा रे बाबा, मतलब लाइन बा लाइन गाड़ियाँ, मेरे पीछे गाड़ियाँ, आगे गाड़ियाँ, ना जाने कितने, और ऊपर से ट्रैवल बस, ए बाबा रस होने वाला है समझ गया, इधर की भीड़ ही देख के। रोड देख रहे हो, रोड एक नंबर है भाई, मतलब सोचा नहीं था कि केदारनाथ का मेन रास्ता जो इतना खूबसूरत होगा। अब स्वर्ग पे जा रहे हैं तो रास्ता भी तो स्वर्ग जैसा होना चाहिए ना, मतलब क्या बनाया है, वाह उत्तराखंड गवर्नमेंट, मान गया मैं गुरु, इतना मेंटेन, एक भी जगह अब तक ख़राब वैसा पैच नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रही है वहीं पर ख़राब पैच मिली है। एंड देखो आप क्या चिकनाहट है रोड में, खूबसूरत, सच बताऊं तो अब रहा नहीं जा रहा है, लग रहा है कब हमारे कदम पड़े बाबा के दरबार पे। चार धाम के रूट की बात ही अलग है, मतलब जो टाइम मैं सोच रहा था कि एक घंटा लगेगा वो 15 मिनट में निपट गया। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये चार धाम रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल ही रहा है। ये देखो आप, सारे मशीन वगैरह लगे हुए हैं,